जैन वेलकम टू आई डब्ल्यू एम बस एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन बिग रोडीज के एकदम फिनाले तक पहुंच गए थे। क्या बोलना चाहोगे इस जर्नी के बारे में? अगर ओवरऑल मेरी जर्नी देखी जाए मैम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि मैंने तो कभी तक सोचा नहीं था कि फिनाले तक पहुंचूंगा, और फिनाले तक पहुंचना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और खास करके जो मेरे दोस्त जो मुझे सपोर्ट किए पूरी जर्नी में वो भी काफ़ी खुश थे, और खास करके मेरे पेरेंट्स भी खुश थे, वो तो रहेंगे क्योंकि वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जो मेरा सपना था यहाँ तक आने का, तो मुझे काफ़ी खुशी मिली कि नहीं यहाँ तक कम से कम मैं पहुँच, हार जीत तो लगी रहती है, पर अपने आप से आप सेटिस्फाई हो कि नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया, और बेस्ट देने के बाद क्या आता है वो डिपेंड करता आगे या हार या जीत की, उतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, पर वहाँ तक पहुँच के फिनाले खेलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। So, जैन, जब फिनाले का राउंड चल रहा था उस समय उस घड़ी में आपके मन में कितने सारे यू नो क्वेश्चंस आ रहे थे आपके दिमाग में, कितने सारे नो थिंकिंग चल रही थी? जैसे मैम जैसे मैं भी कोई भी टास्क परफॉर्म करता हूँ तो मैं बस यही दिखता हूँ कि मुझे इसमें घुस जाना है और अपना बेस्ट देना है, जो हो जाए अपनी तरफ से ऐसा लगा दो उसमें उस परफॉर्म में को करने में कि आप उससे संतुष्टि फील करो कि नहीं मैंने तो अपना पूरा बेस्ट दिया, आगे हार जीत जो भी हो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन फिनाले वाले टास्क में क्या था कि उस वक्त भी मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा था कि नहीं अभी ये फिनाले है, और मेरा पहले से भी शुरू से जब मैं अपना PI दिया था उस वक्त से था कि नहीं मुझे 100 जीतना है, और उसके लिए ही मैं आया था कि मुझे यहाँ तक पहुंचा तो यार यहाँ से वापस नहीं जाना है, यहाँ तक आया हूँ तो वो रोडीज का टैग ना वो लेके जाऊंगा, वो चीज मन में था। पर एक होता है कि ओवर हो जाना कि नहीं मुझे जीतना है, क्या करें, एक प्रेशर रहता है आपके दिमाग में, फिनाले खेलना है, हार जीत रहता है। तो जैसे मेरे लीडर थे वरुण सर, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं अभी आपको केवल परफॉर्म में फोकस करो, हार जीत मत उसमें ध्यान मत दो, लेकिन आप जिससे मेहनत करते हो यहाँ तक पहुंचे हो ना, बस उस वक्त आपने जैसे PI से लेके पूरी जर्नी कंप्लीट किए टास्क करके, वही टास्क करके आज भी तुम दिखाओ कि तुम पर एज अ परफॉर्मर कि तुम क्या परफॉर्म कर सकते हो और कैसा परफॉर्म तुम किए हो शुरू से लेके। तो वो चीज था दिमाग में, ज्यादा कुछ मैं नहीं लेके गया था कि क्या करना है, बस फिनाले था, फिनाले जैसा मुझे परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है और कुछ नहीं। सो जैन, यू नो रोडीज की जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन से होती है, बहुत सारे टास्क होते हैं जो कि काफी टफ होते हैं। आपके लिए कौन सा टास्क सबसे ज्यादा टफ था और आपको लगा कि शायद मैं इस ये गेम के बाद आउट हो सकता हूँ? हमारा एक ऋषिकेश में एक टास्क था मैम, राफ्टिंग वाला टास्क था। मैंने अपने लाइफ में कभी राफ्टिंग किया नहीं है, और वो मेरे लिए एक नया चीज था कि मुझे करने का एक मौका मिल रहा है, क्योंकि रोडिस में आप जिस जो चीज के लिए आप बने हो उसमें अपना बेस्ट तो दोगे ही, पर लेकिन आप से जो चीज नहीं हो सकता है और वो चीज आपको मिल गया करने के लिए, तो उस चीज को करके बाहर निकलना वो सबसे बड़ी बात होती है। और इसी तरह से हमारा एक टास्क था जहाँ पे मैं निखिल सर के टीम में था और हम 5 जन थे, जो राफ्टिंग का टास्क था मैंने वो कभी नहीं करा था, और वो टास्क करके हम हार गए थे, और उस वक्त मुझे डर था कि यहाँ से मैं जा सकता हूँ क्योंकि राफ्टिंग का टास्क था, मैंने परफॉर्म करा पर हार गए हम, और वहाँ पे मैं डेंजर में भी था। तो और पूरा जर्नी में जो भी टास्क हुआ मुझे नहीं लगा कि कोई टास्क मेरे लिए कुछ मतलब क्या बोल सकते हो उसको कि ज़्यादा हार्ड हो, पर एक राफ्टिंग का टास्क था और उसमें योगा भी था, मैंने कभी योगा भी नहीं किया पर वहाँ पर जाके योगा भी कम्प्लीट किया, बट राफ्टिंग का जो टास्क था वो करके मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यहाँ से जा सकते, वो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था टास्क करना राफ्टिंग का, जहाँ पे मैं हमारी टीम हार गई थी वहाँ पे। सो जैन, एक वक्त ऐसा आ गया था कि कोविड के कारण शूटिंग बंद हो चुकी थी और उसी दौरान शो के कुछ टेलीकास्ट हो चुके थे रोडीज के, तो आपको वो चीज बेनिफिट रहा है जब आप घर पे थे तो आपको अपने आप में नए नए चेंजेस लाने को लाने का मौका मिला? जी मैम बिल्कुल मिला, क्योंकि हमारी शूट जब खत्म हो गई थी ऋषिकेश के बाद हम अपना शूट दूसरा कम्प्लीट किए थे, उसके बाद 6 मंथ के बाद हमारा शूट चालू हुआ था, तो उससे पहले भी मैं तो फिटनेस में था ही, लेकिन घर पे आप रहो ना जिम जाना है आपको ना बाहर निकल सकते हो, आपको घर में रह के खुद फिट रहना है, और दूसरी बात क्या कि आपको उस चीज़ से बच के भी रहना है कोविड से, क्योंकि आपको ऐसे कुछ हो ना जाए बाहर जाके जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करे। तो मैं यही किया कि अपने फिटनेस में ध्यान दिया था,
फिटनेस में था ही, साथ में मैंने डांसिंग में करता था, तो डांस में मैं केवल एक फ्री स्टाइल करता था, तो उसमें मैं दो तीन फॉर्म इंक्लूड किया कि घर पे ही रह के कि नहीं, और सबसे बड़ी बात आपका आपके साथ इंटरनेट है तो आप सब कुछ सीख सकते हो, तो मैंने नेट का सहारा लिया। उसके बाद यूट्यूब से मैंने कुछ दो तीन डांस फॉर्म सीखे, कंटेम्प्रेरी सीखा, क्रम्पिंग सीखा, फिर आपका लिरिकल हिप हॉप सीखा, तो ये मैंने डांस सीखा, साथ में फिर अपने घर में रह के होम वर्कआउट किया, उससे भी मेरा काफी स्ट्रेंथ में इंक्रीज हुआ। तो ये चीज करते हुए मुझे काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं पीआई से जब मैंने अपना दिया था ना, मैं तो तैयार था, लेकिन साथ ही साथ मेंटली, तो मैंने तो ऋषिकेस में योगा करके मुझे समझ में आ गया था कि योगा क्या होता है, तो फिर मैंने योगा भी चालू किया घर पे, तो मैंने उस चीज को अपनी डांस और फिटनेस, योगा, इन सभी चीजों को एक साथ में इंक्लूड करके तैयारी किया 6 मंथ, और ये काफी बेनिफिट रहा मेरे लिए, क्योंकि ये आपको चांस 6 मंथ मिलना, आपको कहीं जाना नहीं है, घर पे रहना है, और ये मौका का फायदा अगर आप नहीं उठाते हो तो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आगे हमारी जर्नी फिर से जब चालू हुई थी वो काफी टफ था, क्योंकि उसमें बहुत लोग जो आए हुए थे जैसे हमारी शूट खत्म होने के बाद लोग घर गए, तो कुछ लोग जो तैयारी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको फिर से रिपीट दोबारा जाना है, पर एक टेंशन लेके ये चीज नहीं जाना है कि अपने आप को भी फिट रखना है और जर्नी की आगे के लिए भी हमें अच्छा जर्नी साथ में लेके जाना है, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा रहा, मुझे टाइम मिला और मैंने अब खुद को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाया। सो जैन, जब बात किया जाए शो की, तो शो में हमने कई सारे कंटेस्टेंट के बीच में झगड़े देखे थे, साथ ही साथ कैप्टन्स के बीच में भी झगड़े हो जाते थे कुछ कुछ बातें को लेकर, क्या बोलना चाहोगे उस पे, जहाँ कंटेस्टेंट को बचाने के लिए अब तो कैप्टन्स भी भेज जाते थे, नो कभी नेहा निखिल पे वार करती थी या वरुण कभी निखिल या नेहा पे वार करते थे, इस पे क्या बोलना चाहोगे? मैम, अभी तक ओवरऑल स्टार्टिंग से जब देखा जाए रूडीज का, तो लड़ाई तो होना ही होना है, वो होता ही होता है, और वहाँ पे क्या कि कंटेस्टेंट के बीच में अगर आपके जो फ्रेंड है, अपने आपको सर्वाइव करने के लिए अपने दोस्त बनाओगे, ठीक है, दोस्त बना के साथ में अगर आप टास्क परफॉर्म करोगे, आप टास्क परफॉर्म करके आगे जाओगे, लेकिन वो जो झगड़े होना एक ग्रुप, क्योंकि इस बार कोई टीम नहीं थी, कोई गैंग नहीं था, तो गैंग नहीं होने की वजह से क्या हो गया कि जो भी हमारी जो टीम थी वो खुद आपस में बट गए, आपस में बटने के बाद हम खुद एक दूसरे के अलग अलग टीम बना लिए कि नहीं आपको इनके साथ में रहना, जिनसे वाइब, अगर आपको जिसके साथ बॉन्ड बन सकती है आप उनके साथ बॉन्ड बनाओगे, जैसे हमारे टीम में हमें मेरे बेस्ट फ्रेंड लोग थे जो स्टार्टिंग ऋषिकेश से, मन्यू था, जबी था, विपिन था, ये लोग मेरे अच्छे दोस्त थे, और कुछ कुछ प्रतिभा पुरो, ये लोग भी मेरे दोस्त थे, लेकिन वो झगड़े में ऐसा कि अपने आप को सर्वाइव करके उससे लड़ाई करना, खुद को अगर दोस्तों के ऊपर बात आती है तो आप आगे आके खड़ा हो कि नहीं, अगर मेरे ऊपर या मेरे दोस्तों के ऊपर अगर बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहने वाला, तो अगर, और पूरी जर्नी में मेरे से तो कोई किसी से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा बना के रखा जर्नी में कि कोई मेरे ऊपर चढ़े नहीं और ना ही मेरे से कोई ऐसी कुछ बात की कि जैन को निकालो या जैन को ज्यादा बन रहा हो से यार, ऐसा कुछ भी मेरे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किसी ने कहा, नेगेटिव नहीं दिखाया, तो वो भी काफी अच्छा रहा मेरा। और रहा बात लीडर्स के बीच में, तो ऐसा होता ही है, क्योंकि आप भी जीतने के लिए आए हो, हम भी जीतने के लिए आए हैं, खुद को सर्वाइव करने के लिए, अपने टीम को, हेलो, या सॉरी कॉल आ गया, तो अपने टीम को आप आगे लेके जाने के लिए अपने जो भी लीडर्स कैप्टन लो, जैसे मैं अपने वरुण सर का कैप्टन था और हमारे साथ में जो भी मेंबर में एक साथ में थे उनको सर्वाइव करने के लिए लीडर्स अपने साथ देंगे ही देंगे, तो जैसे नेहा मैम, निखिल सर, प्रिंस सर, नेहा मैम का हर बार जैसे होता ही है, अपने आप अपने टीम मेंबर को बचाने के लिए, तो वो गलत बात नहीं, वो अच्छी बात है कि अगर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने लीडर्स का सपोर्ट करें आगे जाके, तो ये चीज है मैम। सो जैन, एनी प्लानिंग फॉर डूइंग अदर रियलिटी शो, जैसे कि हमेशा हम देखते हैं कि रोडीज कंटेस्टेंट मोस्टली आफ्टर परफॉर्मिंग रोडीज शो दे विल सीन इन स्प्लिट्स विला और सम अदर शो ऑफ एमटीवी, ऐसा कुछ प्लानिंग है आपका? मैम, अभी फिलहाल जैसे मैंने स्टार्टिंग से मेरा था कि 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था अपने रोडीज के लिए, और इसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया कोलकाता से और मैंने इसे क्रैक किया फर्स्ट ऑडिशन में, और पर अभी मैं क्या हूँ कि मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ में अपने डांस भी कर रहा हूँ, फिटनेस में भी हूँ, तो स्प्लिट विला तो बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा स्प्लिट विला मुझसे नहीं हो पाएगा। और रही बात अदर शो की बात की जाए तो यस, जैसे एस ऑफ स्पेस है, डांसिंग की कुछ कि मैं इस चीज में हूँ और मैं ये चीज कर रहा हूँ ना, तो उस चीज को अगर मैं दूसरी जगह यूज करता तो वो मेरे लिए बेनिफिट है,
और उससे मैं दूसरों को अपने आप को दूसरे जगह अगर दे सकता हूँ तो अच्छी बात है, मुझे मौका मिलेगा मैं बिल्कुल करूंगा, और ये चांस मिलता है तो मैं आगे जरूर इसको निभाऊंगा। एनी मैसेज फॉर द वरुण? वरुण जिस तरह से आपके गैंग लीडर थे तो कितना सपोर्ट आपको मिला? अगर वरुण सर की बात की जाए तो मेरे बड़े भाई की तरह उन्होंने मुझे पूरी जर्नी सपोर्ट किया है। टास्क हो, जैसे हम टास्क कंप्लीट भी करते थे, मैं कुछ टास्क में मैं हार भी जाता था, तो उस टास्क में वो ऐसा बताते थे कि नहीं कोई बात नहीं भाई, ये टास्क हारा, ज्यादा सोचने की बात नहीं, आपने परफॉर्म करा वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप आए हो परफॉर्म करने के लिए और जीतने के लिए, जीतना हारना मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अपना बेस्ट देते हो ना उस टास्क में कि लोगों को लगे कि आपने अपना बेस्ट दिया, तो उस तरह से मुझे काफी सपोर्ट किए वरुण सर आगे लास्ट फिनाले तक, और ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ, ऐसा लगा कि एक भाई है मेरे साथ। So thank you, Jen, for coming and giving a precious time, and all the best for the future. Thank you.